वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, और आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के ब्लू बॉक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 3 पार्ट्स में हमने जो चैप्टर है उसको कवर किया है, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट कीजिए और उन वीडियोज़ को अच्छी तरह से समझिए। और अगर आप उन वीडियोज़ को अच्छी तरह से समझते हो तो आप सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के हैं या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट आप कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या जो 6 है उस पर दिए गए प्रश्न हैं। प्रश्न 1, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो देखिए, जो मैग्नीशियम रिबन है उसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जो है वो जम जाती है। वायुमंडल में कौन सी गैस हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सो जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसी तरह मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, सो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है या मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये जो है मैग्नीशियम को जलने में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण मैग्नीशियम अच्छी प्रकार से जल नहीं पाता, और इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रेगमार से साफ किया जाता है, ताकि जो ऊपर वाली जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत है उसको हटाया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न 2 है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो देखिए, जो संतुलित समीकरण है उसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इनको अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको संकेत याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत क्या होगा? H2। क्लोरीन गैस का संकेत क्या है? Cl2। और इससे जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है और जो उत्पाद बना है वो क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। सो यहाँ पर हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो भी 2 हैं, क्लोरीन के भी 2 हैं, इसीलिए जो HCl है उसको हम अगर 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन के भी 2 हो जाएंगे और क्लोरीन के भी 2 हो जाएंगे। यहाँ पर जब मैंने आपको चैप्टर कराया था तो मैंने आपको समझाया था कि हम केवल गुणांक को बदल सकते हैं, लेकिन किसी भी परमाणु, कोई भी जो अणु है उसकी परमाणुता को हम नहीं बदल सकते। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 थ्राइस। इससे क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको संतुलित कर सकते हो, आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करके इसको संतुलित कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम यहाँ पर जो है 2 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम केवल 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि एल्यूमिनियम भी 2 हो गए। इसी प्रकार अब यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 6 हो गई, तो यहाँ पर 2 है, तो इसी प्रकार आप इसको 3 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करके आप इनको संतुलित कर सकते हो। सोडियम प्लस जल, ये क्या फॉर्म करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सो सोडियम का संकेत होगा Na, जल का H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड हाइड्रोजन H2। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण आपको यहाँ पर लिखना है। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो देखो, यहाँ पर जल में घोला गया है, यानी वो एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, वो जलीय विलयन बना है जिसके लिए हम AQ पीछे लिखते हैं। जैसे अगर ठोस है कोई जो पदार्थ तो वो उसके लिए हम S लिखेंगे, अगर वो गैस है तो G लिखेंगे, अगर वो द्रव अवस्था में है तो L, और अगर वो जलीय विलयन है तो AQ। सो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, सोडियम सल्फेट का भी जलीय विलयन है, और यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट बना है वो अघुलनशील है, यानी वो ठोस है, तो वो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? S, और NaCl वो भी क्या होगा? जलीय विलयन होगा, और आप इसको संतुलित कर सकते हो। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, विलयन किस में है? जल में, तो NaOH एक्वस प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl
के विलयन में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, NaCl, और क्या बनाते हैं, जल, जल यानी H2O, जो कि द्रव अवस्था में होगा, तो उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया है, यहाँ पर हमने L का प्रयोग किया है। सो ये समीकरण आप संतुलित कर सकते हो। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 11 पर दिए गए प्रश्न, प्रश्न एक है, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, ठीक है, तो एक्स का विलयन जो है सफेदी करने के लिए होता है। आपको पता है सफेदी करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं चूना, और चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। पदार्थ एक्स का नाम और इसका सूत्र लिखना है, सूत्र हो गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड। आप सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसमें ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है आपको, सो कैल्शियम ऑक्साइड चूना, इसकी जल के साथ अभिक्रिया होगी तो ये क्या फॉर्म कर देता है, ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ये सफेदी की जो रिएक्शन है, ये इसका प्रयोग जो है सफेदी करने के लिए होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिर दीवारों के ऊपर पोत दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके फॉर्म कर लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि पत्थर संगमरमर का फॉर्मूला है, जिससे जो दीवारें हैं उनमें चमक आती है। नेक्स्ट प्रश्न दो, क्रियाकलाप सात में एक परखनली में जमा हुई गैस की मात्रा दूसरी नली में जमा गैस से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम आपको बताना है। सो क्रियाकलाप सात जो है उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें जल का विद्युत अपघटन हुआ है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल से अम्लीकृत पानी में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उसमें हम कुछ बूंदे जो है, जो जल है उसका विद्युत अपघटन जब किया जाता है तो उसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल दी जाती हैं। अब उसमें कैथोड पर जमा हुई गैस हाइड्रोजन और एनोड पर जमा हुई गैस कौन सी होती है, वो ऑक्सीजन है। कैथोड पर जो जमा गैस है अर्थात हाइड्रोजन का आयतन एनोड पर जमा गैस के आयतन से क्या है, दुगना है, और इसे होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। सो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्या है, यहाँ पर H2O, इसका विद्युत अपघटन हुआ तो ये बन गई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जब आप समीकरण को संतुलित करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है उसके जो अणु हैं वो कितने हैं, दो हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, एक है, समीकरण संतुलित होने के बाद, ठीक है। सो यहाँ पर इसलिए जो हाइड्रोजन गैस है वो दोगुनी होगी और ऑक्सीजन जो है वो, इनका जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो 2:1 का अनुपात होता है। सो गैस का आयतन गैस के अणुओं की संख्या का समानुपाती होता है, जैसा कि संतुलित समीकरण में दिखाया गया है कि समीकरण में हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु है, अतः जमा हुई हाइड्रोजन का आयतन जमा ऑक्सीजन के आयतन का दो गुना है। सो ये हम रासायनिक जो समीकरण है इसकी सहायता से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 15 पर दिए गए प्रश्न, प्रश्न एक क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। काफ़ी इजी और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप बहुत जो प्रीवियस क्लासेस हैं आपकी उसमें पढ़ते आ रहे हो। सो इसमें क्या होगा, लोहे का फॉर्मूला क्या होता है, संकेत हम लिखेंगे Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है जलीय विलयन में, वो कैसा है, कॉपर सल्फेट का रंग नीला। आफ्टर दैट इसमें रिएक्शन होगी और ये क्या बनाएगा, FeSO4, जो हल्का हरा रंग का होता है फेरस सल्फेट बनेगा, और जो तांबा है वो अलग से निकल जाएगा और कील के ऊपर जमा हो जाएगा। इसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो लोहा है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसके लिए आपको अभिक्रियाशीलता श्रेणी याद होनी चाहिए। अभिक्रियाशीलता श्रेणी को आप याद कर सकते हो एक ट्रिक की हेल्प से, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ेंगे। इसकी पूरी जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट करके आप इसको लर्न कर सकते हो। यहाँ पर कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है तो वो निकल जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लोहा ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है,
और यहाँ पर बन जाता है फेरस सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न दो, क्रियाकलाप 10 में दिए गए द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण से भिन्न एक और उदाहरण आपको देना है। सो उसके लिए हम क्या उदाहरण दे सकते हैं, लेड नाइट्रेट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO32, ठीक है, जलीय विलयन तैयार किया गया है। इसी तरह पोटाशियम आयोडाइड Ki, इसका भी जलीय विलयन है, यहाँ से क्या बनेगा PbI2, लेड आयोडाइड, और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये भी इसका जलीय विलयन तैयार होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, यानी यहाँ पर दो आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि पोटाशियम की जगह पर लेड जो है वो आ गया, और जो नाइट्रेट है उसके साथ पोटाशियम ने अभिक्रिया की है और पोटाशियम नाइट्रेट बना है, तो दो आयनों का विस्थापन हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न 3, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। सो इसमें देखिए सोडियम प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या बना है सोडियम ऑक्साइड। इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, वो कहलाता है उपचयन, ठीक है। तो उपचयन क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। सो यहाँ पर सोडियम उपचयित हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इट फॉर्म कॉपर प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से देखिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से क्या बना कॉपर, यानी यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो निकल गई, ऑक्सीजन का निकलना यानी अपचयन होना, ठीक है। और यहाँ पर हुआ क्या है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसमें जो ऑक्सीजन है वो जुड़ गई है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुई है, हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, इसलिए ये एक उपचयन अपचयन अभिक्रिया है। इसमें एक ही साथ उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर अपचयन है और हाइड्रोजन का यहाँ पर उपचयन है, इसलिए इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।